नमस्कार मो सुसाना प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानक स्वागत जनाए आसंतु आज ध्यान निमंते पवित्र शास्त्र बाइबल रु आइबो पुस्तक दुई अध्याय एक पद रु तेर पद जाए आंभे माने पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग वृद्धि पाउथिबा दुखर सम्मुखीन। पुनर्बार दिनकरे परमेश्वरंक संतानगण सदाप्रभुंक सम्मुखरे उपस्थित हेबाकु आसन्ते शयतान हि सेमानंक मध्यरे सदाप्रभुंक सम्मुखरे उपस्थित हेबा पई आसिला। एथिरे सदाप्रभु शयतानकु कहिले तुम्भे केउठारु आसिल? तहिरे शयतान सदाप्रभुंक उत्तर करी कहिला पृथ्वीरे एणे तेणे भ्रमण ओ तहि मध्यरे गमनागमन करी करी आसिलि। तहु सदाप्रभु शयतानकु कहिले तुम्भे कि आम्भदास आयुब प्रति मन देइछ? कारण ताहार समान सिद्ध ओ सरल परमेश्वर भयकारी ओ कुप्रिया त्यागी लोक पृथ्वीरे केही नाही। पुणी अकारणरे ताहाकु नाश करिबा पई तुम्भे ताहा विरुद्धरे आम्भकु प्रवर्ताइले हे से एजे आपण सरलता दृढ़ करी धरिअछि। तहिरे शयतान सदाप्रभुंकु उत्तर करी कहिला चर्म निमन्ते चर्म आपणा प्राण निमन्ते मनुष्य सर्वस्व देव। मात्र तुम्भे एबे हस्त बढ़ाई ताहार अस्थि और मांस स्पर्श कर तहिरे से तुम्भ मुख आगरे तुम्भकु परित्याग करिबो। तहिरे सदाप्रभु शयतानकु कहिले देख से तुम्भर हस्तगत केवल ताहार प्राण रक्षा कर। ए उतारे शयतान सदाप्रभुंक छामुरु बाहरी जाई आयुबर तळीपारु मस्तक पर्यंत महाज्वलाजनक विस्फोटकरे ताहाकु आघात कला। एणु से सर्वांग कुंडाइबा पाई खंडे खपरा नेला ओ से भस्म मध्यरे बसिला। तहिरे ताहार भार्जा ताहाकु कहिला तुम्भे कि ए जाए आपणार सरलता दृढ़ करी धरुअछ? परमेश्वरंकु परित्याग करी मर। से ताहाकु कहिला तुम्भे एक मूढ़ा स्त्री परी कथा कहुअछ। कौन आंभे माने कि परमेश्वरंक हस्तरु मंगल ग्रहण करिबा आउ अमंगल कण ग्रहण करिबा नाही? एही सबुरे आइब आपणा ओष्ठरे पाप कला नाही। आइब प्रति घटित एही सबु विपदर कथा तैमनिय इलिफस ओ सुहिय बिलदद ओ नामाथिय सोफर नामरे ताहार एही तीनि मित्र शुणी स्वस्व स्थानरु आसिले। पुणि सेमाने ताहा संगे शोक करिबा पई ओ ताहाकु सांत्वना करिबा पई आसिबाकु एकत्र स्थिर कले। ए उतारे सेमाने दूररु अनाइ ताहाकु चिन्ही न पारि उच्च स्वरे रोदन कले। आउ सेमाने प्रत्येके आपणा आपणा वस्त्र चिरि आकाश आड़े आपणा आपणा मस्तक उपरे धूलि बिंचिले। तहु सेमाने सात दिन ओ सात रात्रि ताहा संगे भूमिरे बसिले। केही ताहाकु किछि कहिले नाही कारण सेमाने ताहार जातना अति बड़ बोली देखिले। आजिर एही पठित अंशरे ईश्वर आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर पठित अंशकु आंभे माने बुझिबा निमन्ते चेष्टा करिबा। शयतान युक्ति कला जे जदि ईश्वर आयुबर अस्थि एवं मांसकु छुई थांते तेबे आयुब ईश्वरंकु अभिशाप देइथांता। एहा द्वारा शयतान आयुबकु परीक्षा करिबा पई आउ एक सुजोग पाइला। आयुबंकर समग्र शरीर विस्फोटक घारे पूर्ण हेला फळरे तांकु भंगा खपरा खंडरे कुंडेइबाकु पड़िला। एही दुखद दृश्यर प्रतिक्रिया भावे आयुबंक पत्नी आयुबंकु कहितिले जे ईश्वरंकु अभिशाप देवा एवं मरिबा तांको पई भल हेब। तथापि आयुब आपणा ओष्ठरे पाप करिबाकु मना कला। पुनर्बार शयतान परास्त हेला। आयुबर सांग माने तांको निकटकु सांत्वना देबा पई आसि सात दिन ओ सात रात्रि पर्यंत तांको सहित शोक कले। तथापि सेमाने कौनसी सांत्वना शब्द उच्चारण करिपारिले नाही कारण तांकर दुख अत्यधिक थिला। आसंतु आजिर एही पठित अंशरे ईश्वर किए अटंती ताहा आमे देखिबा। एक पदरु दश पद मध्यरे ईश्वर सबुकिछि देखंती एवं शासन करंती। आयुब अस्पष्ट जंत्रणा भोगुथिबा बेले ईश्वर आयुबंक हृदयर शुद्धताकु प्रशंसा कले एवं शयतानकु आयुबकु आउ किछि निर्दिष्ट सीमा मध्यरे
ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ଆମର ଦୁଃଖ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ନ ହରାଇ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଶିଖୁ ଶିଖୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚାରି ପଦରୁ ପାଞ୍ଚ ପଦ, ସାତ ପଦରୁ ଦଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଶିଖୁଅଛୁ, ଶୟତାନ ସହଜରେ ପଛକୁ ହଟେ ନାହିଁ। ଆଇବଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ତଥାପି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଇବ ଆପଣା ଓଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟ ଏବଂ ଓଷ୍ଠରେ ପାପ କରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି କି? ଆଜିର ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ତୁମରି ଦୟା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।